एवरी वन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर वन गोइंग टू स्कूल तो देखिए इस चैप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए गए हैं जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में बच्चे स्कूल जाते हैं तो देखिए पहला है बेंबू ब्रिज जो कि यूज होता है असम में इसमें क्या होता है असम में काफी ज्यादा बारिश पड़ती है और वहाँ पर काफ़ी टाइम तक लंबे समय तक बारिश पड़ती रहती है और काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है देर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर मतलब घुटनों तक पानी वहाँ पर भरा रहता है मगर ये बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकता है वो लोग क्या करते हैं एक हाथ में जो है अपनी किताबें पढ़ते हैं पकड़ते हैं और एक हाथ से पकड़ करके वो बैंबू ब्रिज को ये देखिए जैसे ये लोग इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं ना बेम्बू ब्रिज को ये लोग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो ये जो है वो बताते हैं कि वी क्विकली क्रॉस द बेम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल फिर वो बेम्बू और जो रस्सी से बना हुआ ब्रिज है उसको ये पुल है क्रॉस करते हुए ये स्कूल की तरफ चले जाते हैं आप एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको ब्रिज बनाना है तो वो आपकी क्लास में एक्टिविटी हो जाएगी नेक्स्ट है कि लद्दाख जो है लद्दाख का रीजन है उसमें ट्रॉली वाले ट्रॉली की हेल्प से बच्चे स्कूल जाते हैं हर दिन जो है बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी को रिवर को क्रॉस करना पड़ता है रिवर बहुत चौड़ी है और बहुत ही गहरी भी है तो उसको क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रांग काफ़ी ताकतवर आयरन की जो है लोहे की रस्सी टाइप की बनी हुई है रिवर के ऊपर दोनों साइड में उस लोहे की रस्सी को बांधा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर या तो ट्रीज से या फिर चट्टानों से रॉक्स से और यहाँ पर एक ट्रॉली है जो पूरा एक ओपन सा खुला हुआ बॉक्स है जो लकड़ी का बना हुआ है और वो रोप से रस्सी से अटैच है और चार या पांच लोग उस ट्रॉली में बैठ के जा सकते हैं और काफी शॉर्ट टाइम में वो नदी को क्रॉस कर लेते हैं ये देखिए ये है रोप ब्रिज लद्दाख का अब इसमें आपको एक्टिविटी ब्रिज बनाने की दी हुई है फिर नेक्स्ट आता है सीमेंट का ब्रिज जो सीमेंट से ब्रिज बने हुए होते हैं ये तो प्लेन एरिया में नदी के ऊपर बनाए जाते हैं जब भी नदी को कोई भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए ऊपर से उसके देखिए इस तरीके का ब्रिज पुल बना दिया जाता है देखिए नीचे नदी है और ऊपर जो है उसके ब्रिज बना दिया गया है ये सीमेंट के बने होते हैं ईंटों के बने होते हैं आयरन के बने होते हैं और आराम से इस पर क्रॉस करके आप लोग जा सकते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हाउ इज ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बेम्बू ब्रिज क्योंकि ये वाला जो ब्रिज है वो किस तरीके से जो है वो बेंबू ब्रिज से अलग है तो देखिए, बेंबू का ब्रिज जो है बेंबू ब्रिज इज मेड ऑफ बेंबू एंड रोप एंड दिस ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स है ना सीमेंट से ब्रिक्स से एंड आयरन रॉड से ये जो है वो बना हुआ है तो इस तरीके से ये स्ट्रांग है एंड सीमेंट ब्रिज इज वाइड स्ट्रांग ड्यूरेबल कंपेयर्ड टू बेंबू ब्रिज बेम्बू ब्रिज से ज्यादा ये चौड़ा है और ज्यादा ताकतवर है हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम इस वाला जो सीमेंट का ब्रिज है तो काफी सारे आप कह सकते हैं मोर देन ट्वेंटी पीपल कैन क्रॉस दिस ब्रिज एट अ टाइम बीस से ज्यादा लोग क्रॉस कर सकते हैं अब है नेक्स्ट यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजिस टू क्रॉस रिवर एंड अदर अन ईवन एरियाज टू रीच स्कूल आपने देखा कि किस तरीके से ब्रिजेस से और ट्रॉली से जो है जाते हैं बच्चे अगर आप इफ यू हैड अ चांस विच ब्रिज डू यू लाइक टू यूज वाई अगर आपके पास चांस हो तो आप कौन सा ब्रिज यूज करेंगे तो फिर और क्यों तो आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू यूज अ ब्रिज मेड अप ऑफ सीमेंट एज इट इज मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक ऑन मै जो है सीमेंट का बना हुआ ब्रिज पस आप कह सकते हैं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो आसान है उसको क्रॉस करना और सेफ भी है आगे है डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल इफ यस वॉट इज द ब्रिक लाइक ब्रिज लाइक क्या आपको कोई पुल क्रॉस करना पड़ता है स्कूल जाते हुए अगर हाँ तो वो कैसा है और किस तरीके का बना हुआ है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि या तो अगर आपके नहीं है देर इज नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिजेस इन माई सिटी स्कूल जाते हुए नहीं पड़ता मगर शहर जाते हुए आई हैड टू क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिजेस इन माई सिटी ऐसे करके बता सकते हैं फिर है क्वेश्चन फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड मतलब वट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर वैन देवर यंग आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से दादा दादी से पूछिए कि जब वो लोग छोटे थे तब किस तरीके के ब्रिजेस हुआ करते थे तो आप जैसे पत, वो आपको बताएंगे कि देयर वर वेरी फ्यू ब्रिजेज मेड अप ऑफ बेम्बू एंड रोप्स नाउ अ डेज यू यूज सीमेंट मेड सीमेंट मेड ब्रिजेस अलिया वर ब्रिजेज ऑफ स्टोन्स एंड वुड इस तरीके से वो आपको बता सकते हैं कि वुड से बने हुए होते थे पहले बेम्बू से बने हुए होते थे फिर नेक्स्ट है वेयर uh, इज आपके घर के पास क्या कोई ब्रिज है और है तो आप उसके बारे में पता करिए वेयर इज द ब्रिज कि वो ब्रिज कहाँ पर पड़ता है वाटर पे पड़ता है रोड पे या दो पहाड़ियों के बीच बीच पड़ता है तो आप कह सकते हैं कि द तो ब्रिज इज ओवर वाटर पानी के ऊपर वो ब्रिज पड़ता है आपके घर के पास जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल यूज द ब्रिज कौन कौन ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो बाय व्हीकल तो सबके द्वारा यूज किया जाता है ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड इट इज यूज बाय ऑल द पीपल व्हीकल एनिमल एंड ह्यूमन्स नेक्स्ट है डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और न्यू तो आप कह सकते हैं सीम्स नॉट वेरी ओल्ड बहुत पुराना नहीं लगता फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट वट मटीरियल आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज कौन कौन सा मटीरियल यूज होता है तो देखिए सीमेंट स्टोन विटामिन आयरन ब्रिक सैंड ये सब जो है इस्तेमाल होते हैं अब आपको पिक्चर बनानी है तो आप पिक्चर बना सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट आता है वल्लम कि वल्लम क्या होती है केरला में जो एक बोट होती है ना लकड़ी की बनी हुई जो केरला में बोट होती है उसको वल्लम कहते हैं और बहुत सारे बच्चे वल्लम से जो है स्कूल जाते हैं लकड़ी की बनी हुई बोट से ये देखिए हमें बना के दे रखी है ना दिखा रखी है कि वल्लम है केरला में इससे बच्चे जाते हैं लकड़ी की बनी हुई बोट से स्कूल फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट क्या आपने कभी दूसरे काइंड की बोट देखी है तो आप कह सकते हैं येस आई हैव सीन देयर आर लार्जर एंड स्मॉलर बोट्स बोट्स मेड अप ऑफ स्टील दैट हैव रूम्स स्मॉलर रूम्स इन इट ऐसे करके आप बता सकते हैं नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर आप और कोई वे सोच सकते हैं जिससे आप पानी पे ट्रेवल कर सकें यस वी कैन ट्रैवल इन वाटर मोटर मोटरबोट शिप्स एंड स्ट्रीमर्स इस तरीके से फिर नेक्स्ट है कैमल कार्ट राजस्थान में जो ऊट है उस पर उसकी सवारी लेते हुए जो है बच्चे वो स्कूल जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम डेजर्ट में रेगिस्तान में रहते हैं वहां पे हर तरफ क्या है हर तरफ रेत ही रेत है बहुत गर्म रहती है वो दिन में और कैमल जो है वो हमें राइड करके स्कूल ले जाते हैं अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या कभी कैमल पे बैठे हैं हैव यू एवर सिट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज या फिर तांगे पे तो आप कह सकते हैं येस आई सेट ऑन अ हॉर्स कैरेज आप तांगे पे बैठे हैं ऐसे करके आप बता सकते हैं फिर नेक्स्ट है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास तो आप कह सकते हैं आई फील वेरी नाइस इस टाइप से आप बता सकते हैं अपने शेयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं फिर आता है बुलक कार्ड तो इसमें है बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग राइड करके जाते हैं मतलब बैठ करके जाते हैं बुलक काट में बुलक काट बहुत ही स्लोली स्लोली चलती है और वो ग्रीन फील्ड हरे हरे जो मैदान होते हैं ना जो खेत होते हैं उनके पास से निकलती हुई वो जाती है और अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बारिश होती है तो हम लोग इस पर बैठ कर क्या करते हैं अम्ब्रैला लेकर छाता लेकर इस पर बैठ के जाते हैं तो प्लेन एरिया में समतल जो एरिया होते हैं ना प्लेन्स वहाँ पर बुलक काट यूज की जाती है न, अब इसमें क्वेश्चन है हाउ डू डू यू हैव बुलक कार्ड्स वेयर यू लिव तो आपके पास क्या बुलक कार्ड्स हैं आपके पास गाय भैंसे हैं अगर हैं तो बताइए तो आप कह सकते हैं नो देर आर नो बुलक कार्ड्स इन माई एरिया आई हैव सीन देम एट अदर प्लेसेस लाइक ऑन टीवी या फिर आप अगर आपने देखी है तो येस आई हैव सीन सो मेनी बुलक कार्ड्स इन माई एरिया आई लिव इन अ विलेज कॉल्ड पालमपुर ऐसे नाम कोई सा भी नाम दे सकते हैं मतलब जिस जगह आप रहते होंगे फिर नेक्स्ट है डू दे हैट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव द व्हील्स ऑफ द बुलक कार्ड आर मेड ऑफ वुड विद आयरन रिम्स लकड़ी के बने हुए होते हैं इनके पहिये और इनमें कीले लगी हुई होती है जो है लोहे की फिर नेक्स्ट है मेक अ ड्राइंग तो आप ड्राॅइंग आप बना सकते हैं फिर बाइसिकल राइड आता है तो बाइसिकल से जो है बच्चियां स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं शुरुआत में बच्चियाँ स्कूल नहीं जाया करती थी क्योंकि वो बहुत दूर होता था फिर क्या हुआ सात आठ गर्ल्स का लड़कियों का एक ग्रुप जो है मिल करके ये लोग सब जाने लगे साइकिल की हेल्प से अब ये दूर भी स्कूल चले जाते हैं अब है क्वेश्चन कैन यू राइड अ बाइसिकल तो आप अगर साइकिल चला सकते हैं तो येस आई कैन राइड अ बाइसिकल हु टॉट यू टू राइड इट तो अगर मेरे को मेरे बड़े भाई ने सिखाया था बाइसिकल राइड करना तो आप लिख सकते हैं आपको किसने सिखाया कि जैसे कि माय एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड बाइसिकल या फिर आप लिख सकते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स टॉट मी टू राइड अ बाइसिकल कैसे भी लिख सकते हैं फिर आता है जुगाड़ जुगाड़ एक स्पेशल सा ट्रांसपोर्ट है जो फुट 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 करके साउंड करता है जब वो चलता है तो वो कुछ स्पेशल नहीं है इसमें आगे जो है मोटरसाइकिल लगी होती है और पीछे एक कैलेज टाइप का इसमें लगा देते हैं जिससे क्या होता है जो ज्यादातर लकड़ी का जो है बना होता है जैसे जिसमें आगे मोटरसाइकिल है और पीछे देखिए इस इसपे बच्चे बैठे हुए हैं गुजरात के एरिया में तो इसको हम क्या कहते हैं जुगाड़ कहते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया तो आप कह सकते हैं येस आई वी हैव सच व्हीकल इन आर एरिया या फिर नहीं होगा तो नो कह दीजिए वट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया तो आप क्या कह सकते हैं इसको वी कॉल देम डीजल पम्प सेट कार्ड जुगाड़ इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि आप इन्हें ये कहते हैं अगर आपके एरिया में होते हैं तो अब है वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस तो येस yes, क्या आप इस तरीके की किसी चीज में बैठकर घूमना चाहेंगे तो यस आई वुड लाइक टू राइड इन थिंग लाइक दैट इट वुड बी ग्रेट फन नेक्स्ट है कैन यू टेल वाई इज इट कॉल जुगाड़ जुगाड़ क्यों कहा जाता है इसको इट इज कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट इज मेड बाई पुटिंग टूगेदर डिफ पार्ट ऑफ डिफरेंट वहीकल्स एंड ज्वाइंट टूगेदर तो देखिये एक तो क्या होता है पुलक कार्ट का कार्ट ले लिया और बाइ मोटरसाइकिल की जो है आगे वाला पार्ट ले लिया इसलिए हम इसको जुगाड़ कहते हैं अब है नेक्स्ट इसमें जो और है तो देखिए इसमें आता है चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल बच्चे जो हैं खूब घने घने जो वो हैं जंगल उनको क्रॉस करके अपने स्कूल को जाते हैं कई जगह पर तो ऐसे इतने घने जंगल होते हैं कि ज़मीन पर लाइट तक नहीं पहुंच पाती है और बिल्कुल साइलेंट होते हैं कोई साउंड नहीं होती और अलग अलग अ, मतलब वैसी साउंड नहीं होती कोई बाहर की मोटर गाड़ियों की वहाँ पे सिर्फ जानवरों की चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं फिर ये है कि हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस क्या आप कभी भी किसी बहुत ही घने जंगल में या इस तरीके की जगह गए हैं तो आप गए हैं तो लिख सकते हैं येस आई हैव बीन टू जंगल आई हैव गॉन टू कॉर्पेट नेशनल पार्क ऐसे करके राइट योर एक्सपीरियंस आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो भी है. अब देखिए मूविंग ऑन द स्नो तो किस तरीके से बच्चे जो हैं ये देखिए बच्चे जा रहे हैं स्नो में चल करके अपने स्कूल की तरफ और बच्चे जो हैं कहते हैं कि हम हाथ पकड़ करके बहुत केयरफुली जो है स्नो को पार करते हुए जाते हैं हमारे पैर जो हैं कई बार स्नो के अंदर सिंक हो जाते हैं मतलब डूब जाते हैं और स्नो जो है वो जमी हुई है और कई बार हम लोग स्लिप होकर के उस पर गिर भी पड़ते हैं ये सब बताया गया है तो इसमें है आगे हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर क्या आपने कभी भी देखी है इतनी सारी स्नो तो आप कह सकते हैं यस आई हैव सीन सो मच स्नो वैन आई वेंट टू शिमला एंड ऑल्सो आई हैव सीन दिस मच सो मैनी सो मच स्नो वैन इन द टीवी टीवी में देखिए आप शिमला गए होंगे जम्मू गए होंगे तो वहां पर आपने देखी होगी ऐसी जगह फिर डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम वाई नो आई डोंट थिंक सच प्लेज हैव स्नो ऑल द टाइम बिकॉज इन विंटर सीजन दे गेट दैट मच स्नो एंड इन समर सीजन द स्नो मेल्टेड अवे या फिर कहीं बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में है तो ऐसे कहीं कई बार क्या होता है ऐसी जगहों पर हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है अब नेक्स्ट आता है रॉकी बास ये है उत्तराखंड का तो देखिए ये बच्चे बताते हैं कि हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं पहाड़ों में जो रास्ते हैं ना वो बड़े पथरीले होते हैं और उबड़ खाबड़ होते हैं चिल्ड्रेन जो रहते हैं प्लेन्स में उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे पहाड़ों पे चढ़ने चलने में मगर हम तो इस इसमें बहुत ही आराम से चल लेते हैं ऐसा ये बच्चे जो हैं वो बोलते हैं तो इसमें क्वेश्चन है डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल क्या आपको कोई डिफिकल्टी होती है दिक्कत होती है स्कूल तक पहुंचने में होती है तो बता दीजिए नहीं होती तो कह दीजिए नो आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल मुझे स्कूल जाते हुए नहीं होती कोई परेशानी नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल वाई कौन से महीने में आपको स्कूल जाना सबसे ज्यादा पसंद है तो आप कह सकते हैं इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर आई लाइक टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज नॉट टू मच कोल्ड एंड नॉट टू मच वॉर्म तो तब मज़ा आता है एंड द ग्राउंड इज सॉफ्ट एंड स्मूद एंड द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इस टाइप से आप लिख सकते हैं विच इज द बेस्ट मंथ इन विच हाइ वाला क्वेश्चन हो गया तो ये इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट फ्रॉम चिल्ड्रन्स पेन हमारा चैप्टर अब देखिए हो गया है कंप्लीट इसमें भी कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है आ, जिसको किया जाए वैसे डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल मतलब इन बच्चों को पनिशमेंट वगैरह मिली हुई है नो no पनिशमेंट करके तो ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था वो सारा हमने पढ़ लिया है आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you.